जंगलों में लगी भीषण आग और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर और एनडीआरएफ की टीम मांगी गई। सीएम तिरथ ने गृह मंत्री अमित शाह से मदद मांगी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे, बड़ी जानकारी जहां पर सीएम तिरथ ने गृह मंत्री अमित शाह से मदद की मांग की है। बता दें प्रदेश के जंगलों में लगातार आग की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसमें वन्य जीवों को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए राज्य सरकार द्वारा मदद मांगी गई। आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर और एनडीआरएफ की टीम मांगी गई है। सीएम तिरथ ने गृह मंत्री अमित शाह से मदद मांगी है। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे, बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि सीएम तिरथ ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है और जहां पर जंगलों में लगातार आग की घटनाएं बढ़ती जा रही है, प्रदेश के जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ती जा रही है, इसको लेकर चर्चा की गई। अमित शाह के साथ जंगलों में आग बुझाने को लेकर मदद भी मांगी गई है। आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर और एनडीआरएफ की टीम की भी मांग की गई है सीएम द्वारा। सीएम तिरथ ने खुद इस बात की जानकारी दी। तो सीएम तिरथ ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की, लगातार प्रदेश के जंगलों में जो आग की घटनाएं बढ़ती जा रही है इसको लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही आग बुझाने को लेकर मदद भी मांगी गई है सीएम द्वारा। एनडीआरएफ की टीम और हेलीकॉप्टर की भी मांग की गई है सीएम द्वारा। बड़ी जानकारी, लगातार आए दिन जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ती जा रही है प्रदेश में। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, जहाँ पर गर्मी का मौसम भी शुरू हो चुका है और ऐसे में लगातार जंगलों में आग लग रही है और आग की जो घटनाएँ हैं वो बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। इसको देखते हुए सीएम तिरथ सिंह रावत ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की, इस मुद्दे पर चर्चा की, इसके साथ ही मदद की भी मांग की है। आपको बता दें सीएम तिरथ सिंह रावत ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की और आग बुझाने को लेकर मदद भी केंद्र सरकार द्वारा मांगी है। हेलीकॉप्टर और एनडीआरएफ की टीम भी मांगी है। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुभाष, सीएम तिरथ सिंह रावत ने गृह मंत्री से मदद भी मांगी है, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या कुछ बातचीत हुई है उनके बीच? जी बिल्कुल, उत्तराखंड के जंगलों में इन दिनों जिस तरीके से आग लग रही है और आगों की घटनाएं जिस तरीके से बड़ी तेजी से बढ़ रही है, लगभग 13,000 हेक्टेयर का जो जंगल है वो पिछले कई दिनों में जला है, तो कहा जा सकता है कि इससे चिंताएं जरूर बढ़ती है। और खास तौर से चाहे गढ़वाल मंडल के वन क्षेत्र हों या फिर कुमाऊं मंडल के वन क्षेत्र हों, उनमें आग की घटना लगातार बढ़ रही है, जिसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने गृह मंत्री अमित शाह से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने कहा है कि पहाड़ में जंगलों के जो पहाड़ों में जो जंगल है उनकी आग को बुझाने के लिए वो एनडीआरएफ की जो एनडीआरएफ से हमारी मदद कराने की कोशिश करें, हेलीकॉप्टर के जरिए उन आगों को बुझाने की कोशिश करें। तो कहा जा सकता है कि जरूर मदद मांगते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नजर आते हैं, लेकिन बड़ी चीज ये है कि जैसे ही मौसम गर्मियों का आता है उसके बाद से ही लगातार देखा जाता है कि जो वन क्षेत्र है वो बहुत तेजी से जलते हैं और ऐसे में कई वन कानून भी सरकार बनाती हुई नजर आती है, लेकिन बावजूद उसके भी कई बार कई हजार हेक्टेयर जो जंगल है वो गर्मियों के मौसम में जल जाता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इसको लेकर भी उन्होंने अमित शाह जी से ये मांग की है कि वो उनकी मदद करने के लिए आगे आए, केंद्र सरकार उनकी मदद करे। साथ ही खुद उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, उन्होंने विभागीय समीक्षा भी की और ये भी कहा है कि जो भी आला अधिकारी इस काम को कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कहा है कि वो दिशा निर्देश दें और बेहतर काम करने की कोशिश करें। साथ ही जो क्षेत्र में जिस तरीके से जंगल जल रहे हैं उनको बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए ऊपर से उनमें पानी, यानी कि जो टीरी झील है उसमें से पानी निकाल कर उन क्षेत्रों में भेजा जाए और आग बुझाने की कोशिश की जाए। यानी कि कहा जा सकता है जिस तरीके से लगातार पहाड़ों में जंगल जल रहे हैं, उन जंगलों के जलने से कहीं ना कहीं न केवल जंगली जानवरों को नुकसान हो रहा है बल्कि उन जंगलों के आसपास रहने वाले जो गांव हैं, ग्रामीण हैं, वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जरूरत है कि जंगलों को बचाने की और कुल मिला के कोशिश की जा रही है कि इसमें जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी मदद ली जाए। जी सुभाष, क्या लगता है आपको कि क्या कुछ वजह रही है जिसमें लगातार ये आग की जो घटनाएं इसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है, क्या मुख्य कारण हो सकता है? जी बिल्कुल, उत्तराखंड के जो जंगल हैं वो काफी घनी आबादी वाले जंगल, और ऐसे में कहा जा सकता है कि गर्मियों के मौसम में जंगल सूख जाते हैं, पत्तियां वहां गिरती हैं और गलती से कभी जो स्थानीय लोग उन रास्तों से जाते हैं, वन विभाग के जो टीम के लोग जाते हैं उन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही भी मानी जा सकती है जंगल के जलने पर। ऐसे में
करोड़ कठोर कदम उठाने की बात भी वन विभाग के जरिए कही गई है उन लोगों को, लेकिन अब देखना होगा कि पहले जंगल की आग को किस तरीके से बुझाया जाता है, उसके बाद ही आगे की जो चीजें हैं वो करनी होगी। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से लगातार प्रदेश में जंगल जल रहा है उससे कहीं ना कहीं जो जीव जंतु हैं उनको काफी नुकसान हो रहा है, साथ ही उन क्षेत्रों में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, दूर दराज के जो लोग हैं, उनको भी इस जंगल की आग से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल सुभाष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।